नमस्कार मु शर्मिष्ठा आज जुबालो कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। कलाकार जदिओ सीमा थाए किंतु कला सर्वदा सीमाहीन एवं यहाँ ही कलाकार को प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे किछि ना किछि नुआ सृष्टि पई प्रेरणा देई थाए। तेबे कलाकार निजकु प्रतिष्ठा करबा पई प्रदर्शन करबा पई अनेक किछि माध्यमर सहाय्य नै थाए, ता मध्यरु पेंटिंग होउछि अन्यतम। तेबे आजर जे युव प्रतिभा से अति कम बयस रे निजकु आंतरजातिक स्तर रे प्रतिष्ठा करै पारछंती, से होछंती सौम्य रंजन। नमस्कार सौम्य। नमस्कार। आम कार्यक्रम को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आपण बहुत कम बयस रे एते ना करि पारछंती, तेबे आपण को पेंटिंग रा जय यात्रा कि भलि थिला, केते बयस रे आपण आरंभ करथिले टिके कहिबे? प्रति पिला भेली मु भी प्रथमे से खड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठारु ही आरंभ करछी। रुचिटा मोर पिला बेलु थिला, किंतु केतल छोटा बेलु भाबी नथिले कि मु गोटे चित्रशिल्पी हेबी बोली। एवं समय अनुसार जेतेले मोर सेवेन्थ क्लास थिला सेतेबेले मो फैमिली देखिले कि हाँ यार बहुत भल चित्र होउछ, ए लाइन रे गले से माने किछ गोटे करि परिबो। तो सेइतपे मु नाइन्थ क्लास रे आर्ट क्लास जॉइन कली। ता आगुरु तो मु ड्रॉइंग को करुई थिली सेंती। तो नाइन्थ क्लास रे मु प्रोफेशनली ट्रेनिंग नेली एथिपई, आउ गोटे पर गोटे मीडिया लाइक पेंसिल मीडिया, पास्टेल मीडिया, वाटर कलर मीडिया, एक्रिलिक मीडिया, ए भला धीरे 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 माने कि सब कोर्स को कंप्लीट करी कि एबे एबे 12th रे 12th सरीची, आउ एबे बीकेट कॉलेज रे जॉइन करब चाहू। अच्छा, आपण एते सब चित्र करछंती, आपण को प्राय तो चित्र कंटेम्पररी पेंटिंग बेस्ड रहैछि, केबे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग उपरे किछि करबा को इच्छा करछंती कि किछि नॉलेज अछि ता विषय रे? येस, नॉलेज तो अच्छी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सेटा गोटे यूनिक स्टाइल रो पेंटिंग, बट मुझे आज पर्यटन करेनि कहीं बोध हुए मुझे कंफर्टेबल फील करे ना कि मतलब प्रायत मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किसी बुझी पारे देखी पारे कौन से करती चित्रकर मैंने। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रे किछि रूल न थाए कि एटा करबा सेटा करबा, सेटा होची मन भितरु माने किछि गोटे यूनिक आइडिया भर करी कि जे कोनोसी कलर आमे कलर से तो खेलिबा ही होची एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। आमे विभिन्न प्रकार कलर को मन इच्छा किछि भी गोटे गोटे फ्रेम देके ताकु किछि भी गोटे माने के करि परबा जोटा कि आखि को भल देखाबो, सेही वाला जिंसो कि आमे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को तेनु करी तार किछि रूल नै कि आमे एई वाला करले पेंटिंग ता ठीक बोली। अच्छा, ये तो कला आपण को पेंटिंग रा कथा, किछि घर परिवार कथा, घरे केमती सपोर्ट मिलेला, आज जाय केमती घरे तमको सपोर्ट करि छंती, केमती आरंभ करले से बिषय टिके कहबे? जिमती कि मु कहली मु 7th क्लास थारु एटा को माने के टिके सीरियसली नै चैट को, आउ केवल माने कि 7th क्लास रु नुह मो पिला बेलु मते फैमिली रे सब बेले सपोर्ट मिलची। मु किछि दिन तळे गोटे जागा को जाइथिली, सेठी देखली कि बहुत जना पेरेंट्स आर्ट को गोटे माने कि साइड क्वालिटी भाबर नोचन, से के भी माने राज्य उन्नते को गोटे प्रोफेशन भाबर ग्रहण करिया को, किंतु आम घरे से जो सिनेरियोटा पूरा अलग, घरे समस्त सपोर्ट करंती, मामा बाबा दीदी भाई आउ अपा जे भी सब घरे अछंते मामू माई समस्त सपोर्ट करंती। आउ कोटी चित्र रे कोटी गोटे माने कि कंपटीशन अछि ता पे चित्र करछि, त कोटी गोटे छोट मोट भूल भटका रह जैतले भी के कहंती त हमको करंती एटा एंती हे जेडा सेंती हे जेटा टिके करेक्शन हबो सेटा मामा करंती, बाबा बेसी करंती नी मामा करंती। अच्छा, थले मामा खराब बाबा भल? नो, मामा खराब नुंती, बाबा एटा भाबी कुंती कि काले पिलाटा को जदी हमें खराब कहबा पिलाटा डिस्करेज हिजबो, आ मामा एटा भाबी कुंती कि जदी पिलाटा को हमें एकना ठीक कथाटा न कहबा काले बुद्धे से ठीकटा कण भूलटा कण जानि परिवनी, सेइ पे दि जना एटा कुंती, किंतु दि जन जंक भल। अच्छा, किंतु स्कूल रे संग माने आ तमो टीचर माने केमती सपोर्ट करथिले? टीचर माने बहुत सपोर्टिव, आज पर्यंत जति कि भी मु आर्ट कंटेस्ट रे पार्टिसिपेट करची, जो भी नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट लेवल हो, सबुतरे टीचर मन को बहुत सपोर्ट रही। स्कूल रे माने किछ परमिशन नबा गुथिले कंटेस्ट पे आराम से दे दियंती इथि पे, आ फ्रेंड्स माने बहुत सपोर्टिव, केते बेले गोटे बड़ा लार्ज कंपटीशन होथिले मते बेले बेले टिके कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाए, किंतु सेही टाइम रे फ्रेंड्स मन कर जो उत्साह आटा थाए सेटा देखले मोर पूर्ण थारे माने कि कॉन्फिडेंस टा आसी जाए। तेरी कहाँ सो गई? दे दे, नहीं तो नहीं तो क्या, नहीं तो मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, बुला ले, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुद अपना बड़ा भाई हूँ। 5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते ले आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली, ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, अंदर से बाहर तक एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत। अमेरिका रे जने प्रसिद्ध चित्रशिल्पी थिले फ्रैंक लॉयड, से गोटे सुंदर वाक्य कही थे, स्टडी नेचर, लव नेचर, स्टे क्लोज टू नेचर,
इट विल नेवर फेल यू। तांकर एही वाक्य को बहुत सुंदर भाव बुझिंट सौम्य आउ ताकु चित्रर रूप दे। ले मामू घर गाँ दिशे। अच्छा प्रकृति रे आपण बहुत किछि चित्र करिसंती, ता भितर आपण को पई कोटा सबटु इम्पोर्टेंट थिला आ कोन पई? प्रकृति ऊपर तो बहुत सारा ड्राइंग्स करिछि, तो एबे किछि दिन तो पूर्वरु मु गोटे देखतिली अमेरिका रो गोटे सिनेरियो, गोटे गोटे घर गोटे सिनेरी थिला, सेटा ता साइड रे गोटे सिटीस्केप, सेटा सेई पेंटिंग ता मते बेसी भल लागे, काई के ना सही पेंटिंग रे मुझ दर्शाई कि मैंने से गोटे गोटे सहर भाया मैंने गोटे जगह से बेस गच्छ ना ये ना तो तथा से जो जगार एमती जो गच्छ को मैंने कि तो कौन कहते जो प्लांटेशन प्लांटेशन प्रोग्राम से जो मैंने कि गच्छ लगे से जो जगह टाक जो सुंदर करके रखी तार मुझे गोटे पोर्ट्रेट करी तो से पिक्चरटा जो पोर्ट्रेट करी से मोपाई बहुत फेवरेट कहीं गोटे फास्ट टाइम जोटा कि गोटे इंटरनेशनल थीम को लेकिन मुझे गोटे ड्रइंग प्रेजेन्ट करी नेचर उपर। अच्छा आपण आसछंती जाजपुर रु, जाजपुर पर प्रकृतिर सौंदर्य भरा, तार एमती किछि प्रकृतिर सौंदर्य जहाँ कि आपण को आकृष्ट करिछि? जाजपुर बहुत सारा मैंने कि प्रकृति में परिपूर्ण, तासत कला और संस्कृति में परिपूर्ण, तो जाजपुर स्पेशल जी कह रत्नगिरी और बिरजा टेम्पल को मुझे जिते होता नेशनल लेवल कंपिटिशन तादेहर मुझे रिप्रेजेंट करी सहीटा को आते बहुत लोग तार मैंने प्रशंसा भी करते आईटा को देखिक अनेक लोक मैंने कि खुशी होते कि यही गोटे जिनस अच्छी जाजपुर में बोली आई जिनसा लोकलोचन को आसी ना कि आर्ट्रे जो मुझे रिप्रेजेंट कली बहुत जन लोक जानवाक पाइले से जिन विषय। अच्छा के स्कूल किसी पेंटिंग अच्छी आपन को बहुत प्रशंसा आनी दे? स्कूल लेवल रे यस थर गोटे इंटर स्कूल कंपिटिशन होता ताधेर थिला कि डू योर ड्रीम कंटेस्ट मैंने कि निजे बड़ हेले कौन हम से प्रेजेंट करिया कौन हवा को चाहती बड़ हेले मुझे गोटे आर्ट डायरेक्टर हवा को चाहे कि भावी नी कि गोटे आर्ट डायरेक्टर हे भाभी गोटे नर्माल चित्रशिल्पी आर्ट्रे गोटे क्यारिययर थे मुझे जान नी तो मुझे गोटे चित्रशिल्पी हे बोली गोटे छुआटे एम चित्र आंकु से चित्रटा करती तो पे पेनसिल धरले किसी ना कि गारंटी मैंने बुद्धि न आसवा पूर्व भी से गार चलती तो से समय रे भी आपण भाभी पर थिले आर्ट को निजर पेशा करिवे आ निशा करिवे खुली सतले भाभी तो नथिले किंतु गोटे अट्रैक्शन थिला आर्ट उपरे जोति पे मु माने कि बहुत सारा आर्ट बनी छ पछर से लाइन रे सित पे अट्रैक्ट थिल करे। लियोनार्डो दा विंची जने फेमस आर्टिस्ट थिले, तांकर एमती किछि चित्र अछि जोटा कि आपण को बहुत इंस्पायर करे छि, आ तार मेसेज कोन अछि किछि कहबे ता बिषरे? लियोनार्डो दा विंची होचेंती इटली कंट्री रा जने माने कि आर्टिस्ट आउ सी मैंने कि सी केवल जन आर्टिस्ट नथिले सी जन स्थपति थिले सहित मैंने कि जो वास्तुकार से गुण भी आसूला और सी जन कवि भी थिले किंतु आमे जानते बेस करी गोटे चित्रशिल्पी भाव बहुत फेमस अच्छा बेस फेमस जो चित्रटी से मोनालिसा सी पेंटिंग बेस फेमस ये कर मैंने पेंटिंग करी से पेंटिंग फेमस से नुह से पेंटिंग से गोटे सिक्रेट मेसेज देखते मैंने कि कौन मेसेज थिला सेटा विभिन्न मैंने कि चित्र विशेषज्ञ विभिन्न कथा कहते किंतु मेनली कहार से कि गोटे मेसेज देते सिक्रेट मेसेज क्या कि गोटे कहवाक चाहूँ जोटा कि सी कही पार नथिले तो से चित्र जरिया से मेसेजटा देवाक चाहते और पेंटिंग को जितेबाला गवेषक मैंने गवेषणा कले तो पचर जानवाक पाइले कि सी इटालियन लांगुएज से लिखिंट कि उत्तर ये अच्छी किंतु सी कौन कहवाक चाहूँ से बोधे हुए सी जानते ना जाए आज्ञा। अच्छा तार मोनालिसार हस को देखिकी मुझे किए बुझीपारे ना से हसे कि कांदे तुमको कौन लगुच
एक्चुअली सेटा गोटे एमितिया आइडिया तांको मन को आसी सेटा गोटे फॉर्म ऑफ आर्ट जोटा कि बहुत लोग आज पर्यंत करि परनांती सेटा होची से आर्टर स्पेशलिटी एटा होची जदि आमे ताको दूरर देखिबा तो आमको लगे कि से मैंने पेंटिंग टा हसुची बोली किंतु जो आम पाखे देखा तो आमको लगे जमीती कि से पेंटिंग टा टे उदास अच्छी मैंने दुख अच्छी आउ तार बेस्ट कथा होता कि से पेंटिंग टा जिते आम पाखक आनवा से पेंटिंग रा कंट्रास्ट मैंने कि ग्लोइंग पावर टा बेस बढ़े आउ जिते पेंटिंग टा दूर को दूर को जीवन कंट्रास्ट से कम तेणुक से पेंटिंग रा खास कथा होता जोटा कि से पेंटिंग को अधिक रहस्यमय आधिक फेमस कर दिए आदिवासी कला मुख्यतः तार धार्मिक आउ नीतिदिनिया जीवनशैली प्रेरित तांको चित्ररे तांको संस्कृति आउ परंपरा बेस भल भाव जना जाए तेबे एहा को सौम्य मध्य खूब भल भाव बुझिछंती एवं तांको कैनवास रे रूप देइछंती विश्वावसुर दया दमु मोहर पूर्वज माने कहि नहंती कंक्रीट जंगलर हिंसा आउ द्वेषर कहानी कही केन्दु आउ कांदुलर कथा झरण कंकड़ा आउ दिडोक तोराणी हिंस्र नुहंती मो जंगल बाघ भालु साप आउ अरणा मईसी अभावी कुड़िया तले मो फुंगोला देहे जह्न ढाले असुमारी खुशी प्रकृतिर नियमरे बंधा आमे जनजाति माटीर संतान मादलर ताले ताले छंद तोली नाची जाऊ गाई जाऊ जीवनर गान आदिवासी मानक चित्रकला को नहीं आपण बहुत किछि प्रेजेंट करछंती सेथरे कोटे मधुबनी पेंटिंग थिला मधुबनी पेंटिंग कोन एक्चुअली जेमती आमर विभिन्न प्रकार पारंपरिक चित्रकला रही से भाई बिहार पारंपरिक चित्रकला हूँ मधुबनी पेंटिंग बिहार मिथिला अंचल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से पेंटिंगटा जेहेतु बनीचे तेणुक आम मधुबनी पेंटिंग कौन जेनराली से स्त्री लोक मैंने से पेंटिंगटा को बाहर कर फर्म टाक आनी मैंने आम मधुबनी पेंटिंग कौन आ स्त्री लोक मैंने बाहर करते तारे विभिन्न प्रकार पशु पक्षी विभिन्न प्रकार उत्सव जमीक बह व्रतघर नामकरण ये सब उत्सव स्पेशली से ड्राइंग गुड़ा सब यूज हुए आई पेंटिंग स्पेशलिटी होती है से बेस किसी परिश्रम करा पड़े ना तादेर जेमेट्रिकल फिगर्स को आम बेस इंपोर्टेंस दू जमती कि बड़ बड़ जेमेट्रिकल पैटर्न सर्कल रेक्टांगल स्क्वेयर्स ट्रायंगल्स तापर एथिबर बेसी फोकस करा जाय आ सेटा होची बिहार रा पारंपरिक चित्र आपनको शिक्षक जे आपनको केमती पेंटिंग करया पय इंस्पायर करंती वाटर कलर हो कि क्रेयन हो केमती पेंटिंग पय इच्छा करंती आ मोर जे चित्र शिक्षिका से होचंती मिसेस निवेदिता महापात्र आउ 9 क्लास रे जॉइन करथिली गोटे चित्र शिल्पी पय केवल गोटे मीडिया रे काम करिया हुए तो गोटे मीडिया ताको पसंद आसी पारे किंतु ताको सब मीडिया रे काम माने जानिबा दरकार तेणुक आमर जे शिक्षिका थिले से सब मीडिया रे मते काम सिखैछन तेणुक से पास्टेल हो कि पेंसिल वर्क हो कि एक्रिलिक हो कि वाटर कलर सब थरे से सिखैछन आपण टिके आगरो मधुबनी पेंटिंग कहथले से तो कला बिहार रा कथा सेमती आम ओडिशा रा सेमती किछि फोक आर्ट रहिछि कि यस ट्राइबल आर्ट आम जोटा कहते हैं सहीटार भी आम ओडिशा रा फोक आर्ट पट्टचित्र होम ओडिशा रा फोक आर्ट जोटा कि बहुत फेमस एवं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तार बहुत चाहिदा रही बहुत विदेशी मैंने आसिक आम ओडिशा रे रही शिक्षा कर किंवदंती अनुसार प्राय से द्वादश शताब्दी आरंभ होता से शिल्पटा तो सहीटा हूँ मैंने कि पट्टचित्र गोटे सांस्क्रिट वर्ड से दुटा वर्डर समाहार जमी हूँ पट्टुक्त चित्र पट्ट अर्थात आम कपड़ा जोटा नॉर्मल फ्रेम जो तरह करूँ चित्र अर्थात आम जो पेंटिंग करके भी आम गोटे जो कौन कहते हैं पारंपरिक शैली आम प्रस्तुत करूँ लोक मैंने तालपत्र करते तालपत्र तो सब पारंपरिक पूरा अच्छी से छाड़ू कि जो जो गज कना टाइप रोटे कपड़ा आसे तादेहर आम व्हाइट चॉक पाउडर जोटा सेटा सहित आम टमारिंड जो कौन था तेतुली तेतुली मंजीर गोटे पेस्ट भिजाई कि पेस्ट गोटे बना मंड एक्चुअली सहीटा को आम कौन करूँ ना मिसेकी लेप भाया गोटे दौ गोटे कवर टाइप र तो सहीटा जितने सुखी जाए तापर आम मानने कौन आर्टिफिशियल कलर्स ना आर्टिफिशियल कलर्स तो आम समस्त यूज करमाली कितु जोटा ठाकुर कम जोटा हो तो सहीटा को आम मैंने ना ओनली जोटा आम थाए कि कलर से जपरिक ब्लाक कलर आम नड़िया को पोड़ी कि जो दीपर सैड रे जो कला कला से गुड़ाक सब येलो जगह हलदी आ ग्रीन जगह आम जो हर्बाल कलर्स जो गचुराल प्रोसेस कला स्थापत्य परिपूर्ण
ଏହାର କଳା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଳିରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୌମ୍ୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ପେନ୍ସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ, ସେଥିରେ କିଛି କଲର୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ଖାଲି ପେନ୍ସିଲ୍, କେମିତି ଆ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ, ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସଲି ଆଜି କଲର୍ ଅଛି ତ କଲର୍ ନଥିବ ତ ସେଇଟା ଆମେ କରି କାମ ଚଳାଇ ପାରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ। ସେଇଟାରୁ ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବି ତାହେଲେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ବିପିନ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ମାନେ କି ବହୁତ ମୁକ ଏବଂ ବଧିର, ସେ କହିପାରିବେନି କି ଶୁଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସିଏ ମାନେ କି ଏଇ ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ସେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ରେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଫେମସ୍। ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲଣ୍ଡନ USA ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଇକିନା ସବୁ ମାନେ କି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା, ତ ବହୁତ ଟଙ୍କାରେ ସେଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକି ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବାକୁ, କି ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଏମିତି ସେଲ୍ ହେଉ, ଏମିତି କେବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନୋ, ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ମୁଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରୋଫେସନ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭାବିନି କି ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କି କରିବା। ଚିତ୍ରକରମାନେ ଚିତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଚିତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ୱାଟର୍ କଲର୍ ହେଉ କି କ୍ରେୟନ୍ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କର କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ସୀମାହୀନ ମନର ପରିଧିରେ ଓଙ୍କି ମାରୁଥିବା ମନର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅସୁମାରୀ କଥାକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନରେ ଗାର କାଟି କାଟି ସେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ମାଆର ସ୍ନେହ। ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ରୂପ ନେଲା ଭରସା ଓ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘର ଚିତ୍ର। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ଲୁତ ପ୍ରାଣ ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଚକା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖି ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବାବେଗରେ ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେହି ଭାବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ଆପଣ କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ତେବେ ପିକାସୋ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ, ପିକାସୋ କିଏ? ପିକାସୋ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ପାବ୍ଲୋ ପିକାସୋ। ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ସ୍ପ୍ୟାନିଶ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏବଂ ସିଏ କେବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ସ୍ଥପତି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ବେଶୀ ଫେମସ୍। ତାଙ୍କର ମାନେ କି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂସ୍, ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତାଙ୍କର କିଛିଟା ମାନେ କି ବେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ, ଯେମିତିକି ହେଉଛି ଦ ଗର୍ଲ ବିଫୋର୍ ଦ ମିରର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଟେଡ୍ ୱିମେନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ନିଜର ସେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବନେଇଥିଲେ, ତା ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ ବନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଦ ଓଲ୍ଡ ଗିତାରିଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଗିତାର ବସିକି ବଜାଉଛି, ସେଇଟାରେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ତା'ର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି?
ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏବେ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ସେଇ ଡ୍ରଇଂଟା କରିଥିଲି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ଏବେ। ତ ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂର ମେସେଜ୍ ଏଇଟା ଥିଲା କି ସ୍ପେସିଆଲି ସେଥିରେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକ ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ମାନେ କି ତା'ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ, ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ୍ସେ କାମ ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକାର ମିଳୁନି। ତ ସେଇ ସେଇଟା ସଚେତନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହାତରୁ ବୋଧେ ଟିକେ କହିବ? ହାତରୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନା ସେଇଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବାର, ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା କି ଆମର ଗୋଟେ କଥା କି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ପିକ୍ଚରର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ତକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେଉଁ ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରିଆସୁଛୁ, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଖତମ ହେଇଯାଇପାରେ, ମାନେ ସରିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ କେମିତି କରିହେବ ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଇ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା? ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ କହିବି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହିଁ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ସାରିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଶୁଣି ବସି କରେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଚଳେ ମୋ ଉପରେ କି ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତରତରୀ କରେ ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ ମୋର ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ତାଦେହରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଜାଇନ୍ସ ଥାଏ କରିବାକୁ ଯାହାପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ମୋର ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ପେଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି କିଛି ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ପେଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେସବୁ, ତ ସେଇଥିରେ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ନିଜର କିଛି ନିଜର ବିଜନେସ୍ କି ନିଜର କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି? ନୋ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲା ଭିତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳେ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳେ, ତ ନିଜର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଦେଖିକି ଟିକେ ବାରିଲେ, କହିଲେ ନାକ ପାଖରେ ଟିକେ ବଙ୍କା ଅଛି। ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଡ଼ି ପକାଇକି ଚଢ଼ିଗଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିହାଣ ଆଉ ହାତୁଡ଼ି। ନାକ ପାଖରେ ଦୁଇ ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଏଥର ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁ ବି ନଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଛେଣିରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ କରି ତାକୁ ଲୁଚାଇକି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ କହିବା କଥା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁ। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିକି ମୁଁ କିଛି ବି ବାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।